हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल, अंकित फाइनेंस एकेडमी के आपके इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के टाइम में हम जितने भी इन्वेस्टर हैं, हम ऐसे ऑप्शन ढूंढते रहते हैं जहां हमको अच्छी रिटर्न मिले और रिस्क कम हो। अगर हम हाल फिलहाल में ही बात करें तो SBI बैंक देखें तो उसने FD पे इंटरेस्ट रेट को काफी कम कर दिया है, 5.5% कर दिया है। वहीं इसी वक्त गवर्नमेंट ने भी 31 मार्च को जो स्मॉल सेविंग स्कीम होती है, जैसे PPF, NSE, पोस्ट ऑफिस की जो TDs होती हैं, इन पर इंटरेस्ट रेट को काफी कम कर दिया है। अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो 3 साल तक की जो TD है, टर्म डिपोजिट, उन पर इंटरेस्ट रेट 5.5% रह गया है। यानी मुझे लगता है आज के टाइम में अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो आपको 1-8% का ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अगर 4% या 5% की इन्फ्लेशन मांग लें और 5.5% आपको रिटर्न मिल रही है तो 0.5% आपको रिटर्न मिल रही है। तो हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव रहता है आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताएं जहां पे आपका रिस्क कम हो, साथ ही साथ आपको अच्छी रिटर्न मिल जाए। तो इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करूंगा ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जहां आपको पोस्ट ऑफिस या SBI की बैंक FD से 2.5-3% ज्यादा अच्छी रिटर्न मिल जाएगी, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगी और आपका पैसा भी बनेगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ DCB बैंक की। DCB बैंक एक प्राइवेट बैंक है, ये बिल्कुल ICICI बैंक या एक्सिस बैंक की तरह है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर कितनी इंटरेस्ट रेट मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों ये प्रॉफिट भी अच्छा अर्न कर रहे हैं और बिल्कुल भी रिस्क नहीं है अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। जिस तरीके से RBI का कंट्रोल रहता है, सेम ये सारी चीजों को ही पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये सिक्योर किस तरीके से या कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम FD पे मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, DCB बैंक की वेबसाइट पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं DCBBank.com। यहाँ पे हम FD पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि FD पे कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, बाकी के कंपैरिजन में अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। हम यहाँ FD पे क्लिक कर रहे हैं। दोस्तों हमने कंपेयर किया है पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस में जनरली 5.5% मिल रही है, तो हम यहाँ डिपॉजिट रेट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, और डिपॉजिट में हम रेजिडेंट इंडियंस हैं, हम क्लिक करते हैं अपने लिए। तो दोस्तों ये देखिए टाइम के हिसाब से दे रखी है, मिनिमम FD 7 दिन की होती है, जितने डेज बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से आपका रेट भी बढ़ता जाता है। हमें यहाँ 3 ईयर्स का देखना है, तो दोस्तों 36 मंथ्स पे हम आ चुके हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.6% पर एनम है, यानी अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगी आप 3 साल के लिए कराते हैं तो दोस्तों इफेक्टिव जो आएगी वो 8.45% आएगी। मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर, ये लिखा है इफेक्टिव एनुअलाइज्ड यील्ड, यानी आपको हर साल की इंटरेस्ट रेट कितनी पड़ेगी, 8.45% पड़ेगी। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए बात करें दोस्तों तो ये 9.07% पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं जहां 5.5% मिल रही है पोस्ट ऑफिस में या SBI FD में या और भी प्राइवेट बैंक में कम है, वहां इनके जो रेट हैं वो अभी भी अच्छे बने हुए हैं, आपको 3-4% ज्यादा मिल रही हैं। तो अगर आप 1 लाख की FD कराते हैं तो केवल 5.5 हजार जहां आपको अदर साइड मिलेंगे, वहीं आपको 9 हजार से ज्यादा मिल सकते हैं। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं डबल के नियर बाई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा इन्वेस्टमेंट करें तो ये देख लें आपको रिटर्न कहाँ अच्छी मिल रही है। रिस्क नहीं है क्योंकि बैंक है, प्राइवेट बैंक है, RBI द्वारा गवर्न है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, कुछ डिटेल्स और देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ क्विक लिंक्स पे गया और मैं आपको यहाँ की फाइनेंशियल्स दिखा देता हूँ। फाइनेंशियल्स के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस में है। तो हम यहाँ 31 दिसंबर 2019 तक का दे रखा है इन्होंने, मार्च का भी अपडेट नहीं आया है क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम ये देख लेते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में ये कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, फाइनेंशियल ओपन हो गए हैं DCB बैंक के। अब आप ये देखिए क्वार्टरली एंड देखते हैं, हम नेट प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों। तो ये आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है, राइट, और ये तो 2 पार्ट में दे रखा है दोस्तों। ये तो है 2018 का, आप देख सकते हैं 2018 दिसंबर में इनको 86.10 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं इंक्रीज हो गया ये, और ये इंक्रीज होके कितना हो गया दोस्तों, ये करोड़ में है अमाउंट, 30 सितंबर 2019, यानी अगले 9 मंथ्स में इनका प्रॉफिट 86 पॉइंट से बढ़ के 91.41 करोड़ रुपीज हो गया। वहीं 31 दिसंबर की बात करें तो 31 दिसंबर को इनका प्रॉफिट और बढ़ के 96.70 करोड़ हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये देख रहे हैं इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, वहीं नॉट ओनली प्रॉफिट, डिपॉजिट, सारी चीजें ही इनकी बढ़ रही हैं, डिपॉजिट भी इनके काफी इंक्रीज हुए हैं। आप और फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं बाद में दोस्तों। और भी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, या अबाउट अस में जाते हैं तो DCB बैंक के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो DCB बैंक दोस्तों एक मॉडर्न न्यू जनरेशन बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, और दोस्तों इनकी 334 से ज्यादा ब्रांचेस हैं,
19 स्टेट में काम कर रहे हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज में। तो ऐसा नहीं है छोटी बैंक है, अच्छी बैंक है, बड़ी बैंक है। और जो इनका बिजनेस है देखिए दोस्तों, देख सकते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है और रेगुलेटेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो हमने देखा अगर बैंक में कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है तो RBI गवर्नमेंट सब साथ आते हैं, हमने येस बैंक के केस में ही देखा था, और इससे इन्वेस्टर को लॉस नहीं होता। और इनकी बात करें दोस्तों तो मिड सेगमेंट में, कॉर्पोरेट में, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में सभी को ये लोन देते हैं, और मोर देन 6 लाख इनके कस्टमर हैं, और ये कस्टमर बेस इंक्रीज ही हो रहा है। इनके बारे में और देख लेते हैं दोस्तों, क्विक फैक्ट्स के बारे में अगर देखते हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैंने अभी बताया था इनका जो प्रॉफिट था वो 96 पॉइंट समथिंग करोड़ था, यानी 97 करोड़ है Q3 फाइनेंशियल ईयर 2020 में। इनकी ब्रांचेस 334 हैं। ये देखिए दोस्तों अगर हम इनके एडवांसेस की बात करें तो एडवांसेस ये बताया हुआ है कि ग्रो करा एट द रेट ऑफ 11%, यानी जितना एडवांस देंगे उतना इनको अच्छी इंटरेस्ट से इनकम होगी। वहीं डिपॉजिट की बात करें दोस्तों तो 31 दिसंबर 2019 तक आप ये देख सकते हैं बैंक में जिन लोगों ने डिपॉजिट किया है वो भी 8% से ग्रो हुआ है। और NPA की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में इनका NPA काफी कम है, और ये 1.03% रहा है। NPA दोस्तों वो अमाउंट होता है जो कि उनके जिन लोगों ने लोन लिया है बैंक से वो पे नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा दोस्तों बैंक के फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है, बैंक का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा है, NPA इनका कम ही है कंपेरेटिव टू अदर बैंक। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं जहां 9% तक सीनियर सिटीजन को, या फिर जिनकी एज 60 ईयर से कम है उनको 8.45% तक मिल रहा है। तो दोस्तों आप इसको और एनालाइज कर सकते हैं। हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव रहता है आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताएं जहां आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, राइट। और रिस्क की बात करें तो मैं बता चुका हूं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, RBI के थ्रू गवर्न होता है, जिस तरीके से और प्राइवेट बैंक है उसी तरीके से ये DCB बैंक भी एक प्राइवेट बैंक है, और जो मॉडर्न जनरेशन न्यू जनरेशन बैंक है जो टाइम के अकॉर्डिंग ग्रो कर रही है। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता था कि आज के टाइम भी कुछ ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं जहां पर रिटर्न अच्छा मिल रहा है, आप एनालाइज करिए, उसके बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो हमारे संग वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट रेट कम हो गई है, उससे रिलेटेड भी हमने पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें ये बता रखा है नए इंटरेस्ट रेट क्या है, चाहे वो NSE से रिलेटेड हो, PPF से रिलेटेड हो, TD से रिलेटेड हो, या सीनियर सिटीजन के। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वहां से देख सकते हैं और आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो बने रहने के लिए हमारे संग थैंक यू। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो लेके आते रहेंगे।